नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बीपीएस चैनल पर। अपना टॉपिक चल रहे हैं कंपलसरी इंग्लिश क्लास के अंतर्गत प्लस टू को अपने करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने मैंने एक चैप्टर कराया था पोइम कर दी होप, उसका फर्स्ट पार्ट था। आज है इसका सेकंड पार्ट। मैंने अपने दोस्त जो समझा चुका हूँ, आज अपने अगले स्टेज क्या शुरू करते हैं। तो अपने करते फोर्थ नंबर, या तीन आपके हो चुके हैं और फोर्थ आज शुरू होगा। तो होप मेक द वर्ल्ड फ्लाई। तो वो आशा के बारे में मैंने कल बीपीजी वीडियो आपको अध्ययन कराया था कि आशा क्या होती है। आशा के कारण ही उड़ते पक्षी फ्लाई होते उड़ते हैं। आशा के दम पर क्या पक्षी उड़ते हैं, उन्हें भी आशा होती है कि अगर उड़ेंगे तो उन्हें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा तो देखते हैं अपने। पी होप मेक द वर्ल्ड फ्लाई, जो आशा होती है पक्षियों को उड़ाती है, उसी की खुशी में उड़ते हैं। कारण क्या है? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, यंग वंस होते हैं पक्षी के बच्चे, फिर उन्हें बोलते हैं। और सर्च तलाश करना, तलाश करते हैं किसकी? फूड होता भोजन की। जो पक्षियों के चुपा वगैरह होता है उसे भोजन बोलते हैं, पक्षियों का भोजन होते हैं। कि जो कहने का तात्पर्य है कि जो होप होती है उसके दम पर पक्षी उड़ते हैं कि वो तलाश करेंगे तो उन्हें क्या भोजन मिलेगा और अपने बच्चों को वो खाना खिलाएंगे, उनको भोजन देंगे। देखो पक्षियों की आशा होती है, वो मेहनत करते हैं और एक इंसान को देख लो आप, ठीक है। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी को उड़ाती है होप। वो जो मेन मुख्य बिंदु इस पॉइंट में दिया होप, कोई क्या प्रकार से केंद्रित बिंदु है, होप के दम पर सब कुछ होता है। एंड मटेरियल, और पक्षियों का जो मटेरियल होता है सामान वगैरह जो है, अपना होम बनाते हैं, नेस्ट घोंसला बनाते हैं, मटेरियल टू वुड देयर होम, होता अपना घोंसला या पक्षी भर होगा, ठीक है, बोलता बनाने के लिए। और वो इस खुशी में उड़ते हैं होप के दम पर कि उन्हें सामान मिलेगा, कुछ घास फूस मिलेगा कि अपने नेस्ट घोंसले होम बना सके। मतलब जो पक्षी है वो क्यों उड़ते हैं, क्वेश्चन आ गए पक्षी उड़ते हैं, कारण है तो वो होप के दम पर उड़ते हैं। आशा होती है कि एक तो उन्हें भोजन मिलेगा, वो अपने बच्चों को देंगे, और वो अपने होम बनाने के लिए क्या है, उन्हें क्या है कुछ मेटेरियल यानी सामान वगैरह मिलेगा, इससे अपने वो होम यानी घोंसले वगैरह बना पाएंगे। ये उन्हें खुशी होती है किस दम पर, होप के दम पर। अब बात करते हैं पांचवें स्टेज की ओर। इट इज द होप मेक ए वुड, वुड ऑफ कली, क्योंकि फूल बनने से पहले कली बनती है, उसके बाद फूल बनता है, बढ़ता होगा। इट इज द होप, आशा होती है जो कली होती है, स्टे होता है ठहरी रहती है, ठहरना ठहरना ठहरी तो रुकती रहती है, वहां तो ब्रांच था टहनी पर, ठीक है। एक होप के दम पर जो कली होती है वो टहनी पर ठहरी होती है, एंड और ब्लूम खिलती है, मतलब खिल जाती है, मतलब फूल बन जाता है। ये एक जो वर्ड होती है कली होती है, उसे भी आशा होती है कि अगर वो टहनी पर ठहरेगी तो एक दिन क्या बन जाएगी, खिल जाएगी, मतलब वो फूल बन जाएगी, मतलब खिल जाना फूल बन जाएगा, खेल के बाद फूल बन जाएगी। या सरस्वती कली होती है, ठीक है, कली उदाहरण आ गया, पक्षी उदाहरण आ गया, ठीक है ना। और इन उदाहरणों से इंसान को कुछ सीखना चाहिए, ठीक है, ये उसे भी हार्वर्ड करना चाहिए, ये भी उनके दिन में क्या आएंगे। तो देखो ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप, ट्रीज होती है जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं लूज गिरा देते हैं देयर अपने लीव्स और पत्तियां, जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं विद ए होप, आशा के साथ, एक आशा के अंदर होप के अंदर गिरा देते हैं। उन्हें क्या होती है, देयर वन डे लाइक इट विल बी लेडेंड विद ग्रीन बूज, कि वो भर जाएगी हरे भरे रंग से, मतलब वो हरी भरी पत्ती भर जाएगी। पेड़ पौधे पत्ती क्यों बढ़ाते हैं कि इस दिन ऐसा आएगा, ठीक है, बसंत ऋतु आएगी और फिर से उनके हरी पत्तियां लग जाएगी। इस आशा में हो गया है अपनी पेड़ की जो बीज होता है पत्तियों को गिराते हैं। तो तीन प्रकार के उदाहरण दिए हैं, एक उदाहरण आ गया पक्षी का, एक आ गया बर्ड कली का, एक आ गया ट्रीज पेड़ का। तीन उदाहरणों में अगर बात करिए कि लोग आशा होती है, ठीक है, ये लोग मेहनत होते हैं आशा होती है, तो इसलिए इंसान को भी आशा होना चाहिए और अपना कार्य क्या है हार्ड वर्क भी करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये तीनों चीज़ें आ गई है, वर्ड के बारे में पता लगे कि वर्ड क्यों उड़ते हैं, वो अपने बच्चों के लिए भोजन के लिए उड़ते हैं और घोसले बनाने के लिए उड़ते हैं, आशा होती है। और बर्ड कली में खिलती है, कली वो ठहरी होती है, आशा खाती है, बर्फ ठहरी होती है क्या फूल बन जाएगी, इसलिए हो गया खिलती है। और जो पेड़ पौधे होते हैं पत्ती में गिराते हैं कि उन्हें आशा होती है कि क्या है बस में दिवा के वो हरे भरे फिर से हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ तीनों आपको इस टेंशन समझा गए होंगे, इसमें कोई जीत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं छठे की, होप इलाइटेड लाइफ्स क्रोमी थोपियर, इलाइटेड तो प्रकाशित कर देना, प्रकाश कर देना, प्रकाशित प्रकाशित करना, जो होप होती है वो प्रकाश करती है, क्रोमी होती है अंधकार में,
लाइफ होता जीवन के लिए, भूमि होता अंधकार में है, प्रोफेट होता रस्ते। ठीक है, देखो जो आशा होती है, जो होप होती है, उसका एक काम होता बहुत बड़ा, वो जो अपना अंधकार में रस्ते होते हैं उन्हें प्रकाशित करती है। मान लो आपको निराशा हो रही, दिक्कत हो रही है, कठिनाई आ रही है, आपको काफी निराशा हो रही है, लेकिन अचानक ही आपके दिमाग में होप आती है और आपके दिमाग में विचार आता है कि हम इस तरीके से इस कठिनाई से निकल सकते हैं, इस कठिनाई पर काबू पा सकते हैं। तो क्या होता है, जो होप होती है वो अंधकार में रस्ते क्या है प्रकाश दिखाती है। जो होप ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं करेगा, उस होप होती है कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा जॉब लगूंगा, ठीक है गाड़ियाँ होंगी सब कुछ होगा, तो होप के दम पर ही करता है। होप नहीं हो तो वो सन्यासी बन जाएगा, ठीक है नहीं तो जमीन में जाके वो राम नाम के नाम जपेगा। तो उसके अंदर भी होप जरूरी है, ठीक है कि भगवान मिलेंगे। तो सारे काम होप करती है, जो मर्जी काम हो, ठीक है ना, मतलब जीवन के अंधकार रस्ते को प्रकाशित करने का भी होप करती है। अगली लाइन जाकर ये कहता है एंड मेक अस फील, और महसूस करते हैं फ्रेश नेता तरोताजा, एंड वर्थ होता है स्मिता स्मिता, और हमें स्मिता पर जाती है ऑफ द डे दिन आगे बढ़ने के लिए। इन मतलब जो होप होती है वो हमें तरोताजा बना रखती है और आगे बढ़ने के लिए हमारे विचार को काफी स्वीप ला देती है और हम तरोताजा महसूस करते हैं। मतलब होप के दम पर ही हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताजी मिलती है, ठीक है। मान लो एक बच्चा है वो पांचवीं क्लास के अंदर क्या है फर्स्ट आया है, तो उसे होप होती है छठी में फर्स्ट आऊंगा, छठी क्लास के अंदर वो तरोताजा के साथ पढ़ेगा, ठीक है ना, ढंग से पढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एक ताजगी होती है, होप होती है, वो एक शक्ति का निर्माण करती है आगे बढ़ने के लिए, ताजगी निर्माण करती है और दिमाग के विचारों को क्या करते हैं प्रकार से स्मिता बढ़ाती है। तो उसके लिए सातवां और लास्ट में इस पॉइंट का है उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि क्या इसके अंदर है। होप मेक लाइफ गोन, जो होप आशा होती है वो क्या है जीवन को बनाए रखती है, जीवन को क्या है चलाए रखती है, बनाए रखती है, मतलब आशा के दम पर ही जीवन चलता रहता है। आशा ना हो तो इंसान घर पर बैठ जाएगा, कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर आशा नहीं है। क्या आगे निराशा आती है, निराशा आती है तो इंसान क्या करता है अपनी लाइफ को खत्म कर लेता है, या उसका लाइफ जीना और मरना उसका बराबर ही रहता है। तो आशा होती से क्या जीवन क्या चला रहता है, जीवन में तो नहीं किसी आशा के दम पर क्या मिलती रहती है, जीवन क्या चेंज होता रहता है, चलता रहता है। लाइफ इज ए डी डाइवेटिव ऑफ द फंक्स कार्ड हो, जो जीवन की व्युत्पन्न करता है, व्युत्पन्न करना तो जीवन को एक बार से नया बनाता है, एक नई जोश उत्पन्न करता है, उसका नाम है होप। वो जो होप होती है वो जीवन को नया बनाती है, उस पर नई आशा बढ़ती है, फिर से उसको जीवित कर देती है। मान लो निराश हो गए, होप आगे फिर आशा होना होता है, मतलब वेतन होता है पुण्य उत्पन्न करना, मतलब एक जीवन को आशा बनाए रखती है, बार उत्पन्न करती है, निराश नहीं होने देती है, हमारे लिए खुश होते हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, प्राइम एक्सीलेंस का श्रेष्ठ या उत्कृष्ट, जो आशा होती है उसका जो प्रथम कार्य होता है वो जीवन को श्रेष्ठ बना होता है, जीवन को उत्कृष्ट करना होता है, ठीक है। राइट फ्रॉम द डे वन इज फोर, जब से उसका जन्म होता है तो इसे वो क्या प्रास्तवित होता है, मतलब जन्म जब उसका जन्म हो गया तो उसे वो आशावान बन जाता है, मतलब इंसान होता है जन्म से आशावान होता है, क्योंकि जन्म में बच्चा होता है वो रोता है मुझे दूध पीना है मुझे ये करना है, ठीक है, मतलब उसके अंदर आशा होती है भी मेरा कार्य पूरे होंगे, एक दम होता है, शक्ति होती है, एक एनर्जी होती है, स्ट्रांगनेस होती है, इसीलिए जो आशा होती है वो हर एक इंसान के लिए जरूरी है, वो जन्म से शुरू हो जाती है, लेकिन उसको बनाए रखना जरूरी है और वो बनी रहती है हार्डवर्क के दम पर। देखो आप हार्डवर्क करोगे तो आप प्रश्न ज़्यादा आएंगे, अगर आशा बनेगी प्रश्न ज़्यादा आएंगे, अगर हार्डवर्क नहीं करोगे तो देखते होंगे। इसीलिए क्या है इस पार्ट के अंदर जो हमें शिक्षा दी गई वो होती है हार्डवर्क की, क्योंकि हार्डवर्क करोगे तो आशा आएगी, हो पाएगी, नहीं करोगे तो वो नहीं आएगी। धन्यवाद।